हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम ए फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ ए कैरिंग वुमन। आई एम इन टू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 27 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे, इट्स अ टीजर एड कमिंग सून, शाहपुर जी वन्हा फेज 3 एट भावदान पुणे। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, शाहपुर जी पालन जी इज कमिंग सून विद वन्हा फेज 3 एट भावदान। तो दोस्तों, मेरे पास लिमिटेड डिटेल्स है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहला तो ये जो टाउनशिप है, ये काफी बड़ा टाउनशिप है। मोर देन 1000 एकर्स का ये टाउनशिप है, जिसको क्लस्टर वाइज डेवलपर ने डिवाइड किया है और इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। और दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट टाउनशिप शाहपुर जी वन्हा। तो यहाँ पर दोस्तों, जो पहला क्लस्टर जो लॉन्च हुआ है वो 158 एकर्स में है, जिसपे डेवलपर ने फेज 1 पहले लॉन्च किया था और फेज 2 भी लॉन्च किया था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल सेल रहा है। अभी डेवलपर ने फेज 3 लॉन्च किया है, तो फेज 3 जो है वो 12 एकड़ में आ रहा है, जिसमें 4 टावर्स है, ग्राउंड प्लस 21 स्टोरी का रहेगा। तो यहाँ पर कुछ एमिनिटीज जो है वो पोडियम लेवल के ऊपर दिया गया है और कुछ एमिनिटीज जो है वो रूफ टॉप के ऊपर दिया गया है। तो शाहपुर जी पालन जी इज अ ब्रांडेड डेवलपर, दोस्तों आप सभी जानते हैं। उनका सिर्फ रियल एस्टेट का काम नहीं है, उनका और भी बहुत सारे सेक्टर्स में है और ऑल ओवर इंडिया के अलावा उनके प्रेजेंस और भी बहुत सारे कंट्रीज में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो शाहपुर जी पालन जी इज अ ब्रांडेड डेवलपर। तो यहाँ पर भी 12 एकड़ में सिर्फ 4 टावर आ रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं काफी ओपन स्पेस दिया गया है इसमें। और मोर देन 2 एकर का जो स्पेस रहेगा वो प्योरली एमिनिटीज के लिए दिया गया है। और पुणे में इनका 9 जगह प्रेजेंस है, जहां पर इन्होंने 55 लाख स्क्वायर फीट अभी तक डेवलपमेंट किया है। तो दोस्तों, वन्हा फेज 3 आप देखेंगे, इट इज ओपन लैंड फुल ऑफ ग्रीनरी और यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेटर है। तो मेन सिटी से अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आप हाईवे से अगर आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो 4 डिग्री नीचे ही रहता है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर 150 एकर्स में 18 होल गोल्फ कोर्स दिया गया है, 90 एकर ऑफ ओपन स्पेस रहेगा और 400 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। और दोस्तों, क्योंकि ये टाउनशिप में डिक्लेयर्ड है, तो आपको यहाँ पर रेसिडेंटल भी मिलता है, कमर्शियल ऑफिस स्पेस भी मिलता है, कन्वीनियंस रिटेल स्टोर भी होगा, बड़े प्लेग्राउंड्स रहेंगे, रिनाउंड स्कूल्स रहेगा, फायर स्टेशन, ओपन ग्रीन एरियाज, हॉस्पिटल्स एंड क्लब हाउस, तो सभी कुछ इस टाउनशिप में आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, फ्लेम यूनिवर्सिटी इस प्रोजेक्ट के काफ़ी पास में है, जो कि 60 एकड़ पर फैला हुआ है, जो कि लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है विथ 5 डिफरेंट स्कूल, लिबरल एडुकेशन, डेटा साइंस, बिजनेस, कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन कोर्सेस। ओवरऑल 1500 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर इस कैंपस में स्टडी कर रहे हैं और ये इंटरनेशनल लेवल कैंपस है, जहाँ पर आपको सभी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे हॉस्टल, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, लाइब्रेरी एंड मनी मोर। तो यहाँ से दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से मुंबई बैंगलोर हाईवे 3 किलोमीटर पर है और वेस्ट साइड में लवले और हिंजवाड़ी एरिया आता है, नॉर्थ नेबरहुड में सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और साउथ साइड की तरफ अगर आप जाते हैं तो संस्कृति है, श्री श्री रविशंकर स्कूल है और पौध है। तो दोस्तों, यहाँ पर लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो मुंबई बैंगलोर हाईवे से 3 से 4 किलोमीटर पर ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर है, देखेंगे आप, ये वना है और इसके बिल्कुल पास में यहाँ पर आप देखेंगे ये 60 एकड़ का फ्लेम यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप हिंजवाड़ी फेज 3 से आते हैं तो आपको ये नांदे चांदे गांव क्रॉस करते हुए आपको वना में आना है। तो यहाँ पर दोस्तों, इस लोकेशन मैप में आप देखेंगे, यहाँ पर सेंटर में ये वना है, इसके पास में ये लवले है, भावदान, कोथरूड, करवे नगर, शिवाजी नगर, पाषाण, औंध, बानेर, वाकड़, हिंजवाड़ी, देन हिंजवाड़ी फेज 3, पिरंगुट एंड भूगाव, ये सारा इसका आसपास का लोकेशन है दोस्तों। तो यहाँ पर टाउनशिप एमिनिटीज में आपको सुपर मार्केट मिलता है, उसके अलावा काफ़ी रिनाउंड स्कूल होगा, बड़े प्लेग्राउंड्स और गार्डन्स दिया जाएगा, बड़ा सा ग्राउंड भी होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ये फेज 1 और फेज 2 जो पहले जो लॉन्च हुआ है,
ये उसका इमेज है, उसका क्लब हाउस का इमेज है, तो सिमिलर टाइप ऑफ एमिनिटीज और क्लब हाउस इस प्रोजेक्ट में भी दिया जाएगा। तो पहले डेवलपर ने जब फेस वन और फेस टू जब लॉन्च किया था, जिसमें 1620 यूनिट्स था, तो इट वॉज सोल्ड आउट विद इन आई थिंक सो मैक्सिमम 3 डेज। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ ग्लिम्सेस देखेंगे एमिनिटीज का। तो आपको यहाँ पर किड्स प्ले एरिया दिया गया है, बड़ा सा लार्ज स्विमिंग पूल होगा। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो इमेज आप देख रहे हैं, ये पहले वाले प्रोजेक्ट का क्लब हाउस है जो कि काफ़ी बढ़िया बना है। तो इस वाले प्रोजेक्ट में भी सिमिलर क्लब हाउस होगा। वॉशरूम में जितने भी सीपी सैनिटरी फिटिंग्स है सारे ब्रांडेड क्वालिटी के दिए गए हैं। लार्ज साइज बेडरूम होगा विथ फ्रेंच कट विंडो एंड डेक। एल शेप लिविंग रूम होगा अगेन विद लार्ज डेक। किचन में दोनों साइड प्लेटफॉर्म होगा, फ्रिज रखने के लिए सफिशेंट स्पेस दिया जाएगा और प्लस यूटिलिटी स्पेस होगा। और सेकेंड बेडरूम या 3 बेडरूम में वन ऑफ द बेडरूम को आप किड्स बेडरूम भी बना सकते हो। और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज वन मोर इमेज ऑफ द क्लब हाउस जो कि सिमिलर टाइप ऑफ क्लब हाउस फेज 3 में भी रहेगा। तो इन डिटेल दोस्तों अम्यूनिटीज की अगर बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में आपको रॉक क्लाइंबिंग, मल्टीपर्पज कोर्ट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस एंड मेनी मोर। उसके अलावा स्कॉश कोर्ट एंड टेबल टेनिस। लीजर्स में टेरेस कैफे, किड्स पूल, स्विमिंग पूल, पूल डेक, कार टेबल, इंडोर गेम्स रूम, स्नूकर एंड पूल टेबल, रीडिंग रूम, अर्बन फार्मिंग, व्यूइंग डेक, गेजिबो पवेलियन, सैंड पिट एरिया, ऑर्चर्ड, सिटिंग एरियाज, पब्लिक प्लाजा, पैरामेट्रिक सिटिंग, मॉडर्न स्कल्पचर एंड स्पेस फॉर स्पा। हेल्थ में जिम्नेजियम, वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, योगा डेक, साइकिलिंग ट्रैक, बोर्ड वॉक एंड गार्डन वॉकवे। और कम्युनिटी में किड्स प्ले एरिया, एम्पीथिएटर, बारबेक्यू जोन, कैंपिंग जोन, क्लब हाउस, मल्टीपर्पज हॉल विथ पार्टी डेक, को वर्किंग लॉन्च, डे केयर, क्रीच एंड कन्वीनियंस रिटेल। और दूसरा दोस्तों एक बात बताना रह गया, अगर आप चांदनी चौक से आते हो तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1 BHK डुप्लेक्स दिया गया है लोअर फ्लोर पे, जिसका कारपेट एरिया शुरू होता है 738 से लेके 834 और प्राइस इसका शुरू होगा 1.15 CR से और इट गोज अप टू 1.29 CR। तो ये जो फ्लोर प्लान आप देख रहे हैं डुप्लेक्स का देख रहे हैं, जिसमें नीचे लिविंग रूम और किचन दिया गया है और ऊपर की तरफ आप देखेंगे एक बेडरूम आता है। उसके बाद आप देखेंगे ये 2 BHK का यूनिट प्लान है, जिसमें 1011 से लेके 1015 कारपेट एरिया है और प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 1.37 CR टू 1.44 CR। और ये 3 BHK का यूनिट प्लान है, जिसका प्राइस शुरू होता है 1481 से लेके 1495 कारपेट एरिया और प्राइस इसका शुरू होगा 1.99 CR से, इट गोज अप टू 2.09 crore रुपीज। और ये 4 BHK 2339 से लेके 2344 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस शुरू होता है 3.14 CR से, इट गोज अप टू 3.29 CR। दीज प्राइजेस आर इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और 4 BHK में आपको डुप्लेक्स भी मिलता है, जिसका कारपेट है 2955 से लेके 3291 और प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 4.27 CR, इट गोज अप टू 4.77 CR। तो अभी दोस्तों आपको सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है जो कि 2 लाख रुपया है और पोजीशन इस बिल्डिंग का होगा दिसंबर 2027 में। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।